आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हम लोग का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ये क्या बोला है कि एन अनबायस्ड कॉइन, अनबायस्ड मतलब क्या होता है, जिसमें हेड और टेल आने का प्रोबेबिलिटी सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इफ द आउटकम इज ए हेड देन ए पेयर ऑफ अनबायस्ड डाइस इज रोल्ड। हेड आने से एक अनबायस्ड डाइस रोल के, डाइस मतलब क्या होता है, जिसमें 1 to 6 तक होता है, ठीक है। एंड द सम ऑफ द कॉइन रिजल्ट्स इन टेल देन ए कार्ड फ्रॉम ए, इफ मतलब सम अगर टेल में रिजल्ट करे देन ए कार्ड फ्रॉम ए वेल शफल पैक ऑफ 9 कार्ड्स। वेल शफल पैक क्या होता है, इसमें मतलब इंडिपेंडेंट होता है, हर एक का प्रोबेबिलिटी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, ठीक है। 9 कार्ड्स नंबर 1, 2, 3, 9 इज रेंडमली पिक करे एंड द नंबर ऑन द कार्ड इज नोटेड, जो कार्ड हमने पिक किया वो नंबर हमने नोट किया, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ नोटेड नंबर इज आइदर 7 or 8, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए हमें बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना चाहिए, हमें हर स्टेप अच्छे से लिखना चाहिए ताकि कोई स्टेप स्किप ना हो जाए, ठीक है। अभी ये पहले हम लिखते हैं कि ये अनबायस्ड कॉइन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना होगा, हाफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना होगा, उसका भी सेम ही होगा, हाफ, ठीक है। अभी हम लिखेंगे कि हम एक इवेंट लेट कर लेते, लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए सम 7 or 8, क्योंकि हमें सम वहां पर बोला है कि 7 or 8 व्हेन ए डाइस रोल, व्हेन ए डाइस इज रोल, ठीक है। अभी डाइस लेने से मैंने ऑलरेडी बोला है डाइस क्या होता है, डाइस का वेरिएबल्स क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 होता है। अभी इसका सम 7 और 8 होना चाहिए, तो इसका आउटकम्स क्या क्या होगा, हम आउटकम्स का सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या क्या होगा, 6 और 1 7 होगा तब सम, 5, 2 तब भी सम 7 होगा, 4, 3 7 होगा, 3, 4 तब भी 7 होगा, 2, 5 तब भी 7 होगा, 1, 6 तब भी 7 होगा, 6, 2 अभी 8 होगा, 5, 3 8 होगा, 4, 4 8 होगा, 3, 5 8 होगा, 2, 6 8 होगा, ठीक है। अभी इसका हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 or 8 व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन। तो ये क्या होगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू, इसमें कितना है आपका इवेंट्स, 11 हमने सैंपल स्पेस से मिला, और टोटल इवेंट्स कितना होगा, 36 होगा, क्योंकि 1 से 6 पॉसिबल है, 2 से भी 6 पॉसिबल है, से 6 से 6 पॉसिबल है, तो कितना होगा आपका, 36। ये फेवरेबल आउटकम हम लोगों ने ऑलरेडी सैंपल स्पेस से निकाला 11, और टोटल आउटकम कितना है, 36, ठीक है। अभी हम एक E2 पकड़ते हैं, ये हम थोड़ा डायरेक्ट लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, E2 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 or 8 व्हेन ए कार्ड is picked from 1 to 9। 1 to 9 से probably 7 or 8 pick करना कितना है, 7 or 8 दो, total outcome कितना है, 9, ठीक है। अभी हम लिखते हैं कि therefore probability that हमने जो note number उठाया उसमें से वो 7 या 8 होगा, that the noted नंबर इज 7 or 8, ये क्या होगा, ये होगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इंटरसेक्शन E2।
एच मतलब हेड, टी मतलब टेल, ठीक है। मैंने पहले ही बोल के रखा था कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैं प्रॉपर्टी लिख दूंगा आपको साइड में। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूं, अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट हो, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, देन probability of A intersection B equals to probability of A into probability of B। मैंने पहले ही बोलता था आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है कि नहीं, ठीक है। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमने निकाल के रखा है ऑलरेडी, हाफ ये E1 होगा, सॉरी E1 का हमने कितना निकाला 11/36। प्रोबेबिलिटी टेल कितना है, हाफ, और E2 का निकाल के रखा है ऑलरेडी 2/9 इक्वल्स टू 19/72। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।